दोस्तों ये हैं 1 रुपए के 2 सिक्के और ये है मेरी उंगली, ये दोनों ही इस टीवी से मोटे हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस MI TV 4 की अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है उदित शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूँ उड़ीरावत चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं, तो एक साइड में इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, और बाकी लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है इसका वेट, इसका प्राइस जो कि 44,999 लिखा हुआ है, बट ये 40,000 रुपीज़ की है। फ्रंट साइड की बात करें तो MI LED TV 4 लिखा हुआ है, 4K अल्ट्रा थिन फ्लैगशिप स्मार्ट टीवी जो कि सिर्फ MI की फ्लैगशिप स्मार्ट टीवी में देखा जाएगा। 4K अल्ट्रा HDR TV है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, DTS SD है, पैच वॉल एक इनका OS है, HDMI ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को डैमेज करना नहीं चाहते हैं तो ये गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। इसमें टॉप पे, इस पे बॉक्स के टॉप पे सारी अच्छे से लिखी गई हैं कि किस हिसाब से आपको बॉक्स खोलना है, किस हिसाब से आपको उसे लिफ्ट करना है और किस हिसाब से आपको उसको अनबॉक्स करना है। फ्रेजाइल ग्लास है तो इसे ऊपर से ना पकड़ें, अगर पकड़ें भी तो उठाएं ना, और कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि किस हिसाब से आपको इसको रखना है। दोस्तों इसमें 4 बटन से दिए गए हैं जिनको खोल के आप बॉक्स को उठा सकते हैं, वो 2 इधर दिए गए हैं 2 इधर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उन बटन्स को खोलेंगे और उन्हें खोलने के बाद हम बॉक्स को लिफ्ट करेंगे। बॉक्स को लिफ्ट करते हुए ध्यान रखना है कि बॉक्स हमारा फ्लैट होके हॉरिजॉन्टल ना आ जाए, हमेशा खड़ा ही रहे। उसके बाद हमारी टीवी के धीरे धीरे सारे चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमें सबसे पहले स्टैंड मिलेगा, एक थर्माकोल निकालेंगे तो, और दूसरी साइड हमें मिलेगा दूसरा स्टैंड। दोस्तों स्टैंड बहुत ही मजबूत क्वालिटी का है, मैं इसका बाद में रिव्यू में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको वॉल माउंट करना है और वॉल माउंट अच्छा रहेगा या फिर स्टैंड माउंट। दूसरा अब हमें टीवी का रिमोट मिलता है जो कि इस मेन टीवी की मेन हाईलाइट है। दोस्तों रिमोट बहुत ही प्यारा है और इसमें 12 बटन दिए गए हैं और एक क्लिक व्हील दिया गया है, ट्रिपल बैटरीज लगेंगी 2, और ये सबसे बड़ी बात ये IR रिमोट नहीं है, ब्लूटूथ का रिमोट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का लोगो इस रिमोट के पीछे। तो दोस्तों आपको टीवी के सामने इसको रिमोट करने की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी ये काम करेगा, ब्लूटूथ है तो कहीं से भी काम करेगा। दोस्तों जब भी आप टीवी अनबॉक्स करें तो याद रहे आप इंजीनियर ही करेगा, आप कभी ना करें, बंदा आएगा वो करेगा। इन थैली से पकड़ के उठाना है, दोनों साइड से 2 बंदे ही उठा पाएंगे इसको, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टीवी में आपको कैसा लुक मिलेगा। आपको इस टीवी को एक बार आप देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों बहुत ही पतली टीवी है, जैसे कि आपको पता है एक स्मार्ट टीवी है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे किया उन लोगों ने। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस के अपडेट्स के बारे में जुड़े रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम जब हमें MI के लिखा आया, जब हमने टीवी को स्टार्ट किया एक नॉर्मल बूट के लिए कि टीवी चल रही है कि नहीं, तभी ऐसा लग गया था कि हाँ भाई कुछ मैंने ख़रीदा है। देखते हैं बाकी हम चीज़ें रिव्यू में बताएंगे कि किस हिसाब से ये टीवी हमें अच्छा लगा है या फिर ये है भी अच्छा। दोस्तों एक बार पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो ऑडियो आउट के लिए आपको इसमें SPDIF का पोर्ट मिल जाएगा। बाकी पोर्ट्स की बात करो तो एक USB 3.0, एक USB 2.0 जो कि आपका एयर ब्लास्टर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो आप USB 2.0 को काउंट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से देखा जाए तो। एक USB 3.0 का, एक USB 2.0 का और 3 HDMI के पोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक ARC को सपोर्ट करता है। ARC मतलब ऑडियो का सिग्नल आप एक बार आउटपुट देने के बाद भी निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा।
दोस्तों वॉल माउंट के लिए सिंपल से चार स्क्रू लगाने थे उन्होंने चार स्क्रू लगाए और टीवी वॉल माउंट कर दी गई। दोस्तों एक फ्री फोकट की सलाह दे रहा हूँ कि आप जब भी ये टीवी आप वॉल माउंट करवा रहे हैं अगर तो सारे पोर्ट्स में वायर्स जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर अभी पड़ रही है उनको पहले ही लगा लें वॉल माउंट होने से पहले, क्योंकि बाद में आपका हाथ घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पहले ही सारे पोर्ट्स लगा लें, जैसे कि मैंने लगा लिए थे, जैसे कि मेरे को एक HDMI एक्सटेंशन लगाया क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और मैंने एक USB एक्सटेंशन लगाया क्योंकि मेरे को अपनी हार्ड डिस्क वगैरह उसमें कनेक्ट करनी होती है। अगर आपको और भी ज़रूरत है तो बाकी सारे पोर्ट्स को आप पहले ही लगा लीजिए एक्सटेंशन के साथ में अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो, या फिर स्टैंड माउंट रखिए, वॉल माउंट ना रखिए। दोस्तों बाकी बात करते हैं टीवी ऑन होने के बाद हमें एक्सपीरियंस कैसा मिला, तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों जब पहला बूट हुआ टीवी का तो पैच वॉल लिखा आया और MI TV इज अपडेटिंग। जब सबसे पहले ब्लूटूथ रिमोट था तो हमें वो सेटअप करना था, तो सेटअप करने के लिए उसमें बटन दबाने का पूरा आया सारा। बहुत ही ईजी सेटअप है, कोई बड़ा काम नहीं है। दोस्तों ये एक स्मार्ट टीवी है जो कि बहुत ही अच्छा है और एक एंड्रॉयड पर काम करता है। प्रॉपर एंड्रॉयड नहीं है, अपना इस पर स्किन लगी हुई है MI की, लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो सारे ऐप्स के एंड्रॉयड काम कर रहे हैं जो कि सोनी लिव वगैरह हैं। अगर आप अलग से एंड्रॉयड के ऐप्स डाल रहे हैं तो उन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इन्फिनिट स्क्रॉलिंग दी गई है जो कि बहुत अच्छी, आप चलते जाइए आपका ख़त्म नहीं होगा कंटेंट। और इसमें होम, VIP, मूवीज़, TV शोज, किड्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक के टैब्स दिए गए हैं जहाँ पर अलग अलग आप स्क्रॉल कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। एक सर्च का मेन्यू भी दिया गया है जहाँ पर आप अपने जो भी आपको सर्च करना है वो कर सकते हैं। दूसरी बात करें टीवी की, अगर आपको इससे टीवी चलानी है तो टीवी गाइड में जाके आप कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी टाटा स्काई या फिर डिश टीवी या फिर किसी भी DTH प्रोवाइडर के साथ जुड़ा हुआ है। आप सीधे जाएंगे और उस चैनल पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा का सीधा रिडायरेक्ट होकर आपके IR ब्लास्टर जो कि जुड़ा हुआ है टाटा स्काई के साथ उस चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये सबसे मेन हाईलाइट है कि आपको दूसरे रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली आपको ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ी सी रिमोट की, वो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा कि कहाँ पड़ने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इफ यू डिसलाइक द वीडियो यू कैन हिट दैट बटन, बट इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।